नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम लाइव। तो एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में घंटी को जरूर दबा देना, जिससे आपको इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज का हमारा ये टॉपिक है कि हमें जो है ऑयल कंपनी होती है, जो डीजल की कंपनी होती है, डीजल पेट्रोल जहाँ पर भरते हैं रिफाइनरी या फिर जो हमारा डिपो होता है डीजल का, उसमें गाड़ी को कैसे लगाएं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बातें बताऊंगा बिल्कुल क्लियर तरीके से। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना एंड तक, क्योंकि अगर आप एक भी पार्ट मिस करते हो तो आपके वीडियो जो है समझ में नहीं आएगा और जो मैं कहना चाहता हूँ वो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें गाड़ी कैसे लगानी है। एक सबसे पहले तो हमें गाड़ी जो है हमारी पास होती है गाड़ी 6 टायरी 10 टायरी 1 12 टायरी, ये 3 गाड़ियाँ पास होती हैं। और तो इसमें कितने कितने केएल की होती है, और एक बड़ी गाड़ी भी पास हो जाती है 14 टायरी भी। तो सबसे पहले जो है 12 केएल, 24 केएल और 20 केएल, और एक होती है 29,000 लीटर तक तेल आप गाड़ी में लेकर आ सकते हैं। 29,000 केएल तक गाड़ी पास है, इसके आगे पास नहीं है। 29, 28 ये चल जाएगा, और 24 केएल, 12 केएल, 20 केएल ये गाड़ी हमेशा भरती है। अब बात करते हैं कि इन गाड़ियों को पास कैसे किया जाता है, कैसे इसको जो है ऑयल फैक्ट्री में लगाया जाता है, कैसे डीजल भरा जाता है। तो देखिए, उसके लिए हर साल या फिर 5 साल के अंदर ऐसा कुछ है कि हर पाँच साल के अंदर जो कंपनी होती है वो एक टेंडर रखती है, जिसके पंप होते हैं, मान लीजिए जितने भी पंप हैं और जिन्होंने गाड़ी बना रखी है, उन पंप को कंपनी देती है कॉन्टैक्ट कि आप अपनी गाड़ी लगा सकते हैं, कितनी गाड़ी लगाना चाहते हैं, 5 गाड़ी 4 गाड़ी, जितना भी जिनका पंप होता है पंप के हिसाब से उनको जो है कॉन्टैक्ट मिलता है। तो उस कॉन्टैक्ट में अगर आपके पास गाड़ी है तो बात करके उस जो भी मालिक है पंप का, जिसका कॉन्टैक्ट के लिए भी हर बार फॉर्म भरे जाते हैं और तब उनको कॉन्टैक्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि गए और सीधा आपको गाड़ी जो है लग जाएगी, तो आपको कॉन्टैक्ट मिलेगा, कॉन्टैक्ट में आपकी गाड़ी को जोड़ दिया जाएगा। गाड़ी जैसे ही जुड़ती है फिर उसके बाद उस गाड़ी को चेक किया जाता है हर चीज़ को कि गाड़ी इलीगल तो नहीं है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किया जाता है कि गाड़ी कहीं से कोई मिस्टेक तो नहीं दिखा रही है, कि आगे चल के मान लीजिए कोई दुर्घटना तो नहीं होगी। ये सब चीज़ें चेक करने के बाद फिर उस गाड़ी में जो है पानी भरा जाता है और वो परमिशन देता है जो उसका जीएम होता है और टीएम होता है, वो गाड़ी को जो है आपको भरने की परमिशन देता है। उसके लिए सबसे पहले आपको गाड़ी की कल्वेशन करनी होती है। हमारे एक भाई जो है कमेंट में पूछ रहे थे कि भाई जो डिप्राइड है वो क्या होती है और कैसे जो डीजल को मापते हैं, उसके बारे में भी अभी बताऊँगा। तो जो बता रहा हूँ वो फिलहाल सुन लीजिए कि सबसे पहले गाड़ी में तो हर चैम्बर गाड़ी का अलग अलग होता है। जैसे 20 केएल की गाड़ी है तो उसमें 5000 5000 5000 5000 4 चैम्बर हो गए तो 20,000 होगी। तो उसके हिसाब से जो है 20,000 लीटर ही उसमें पानी भरा जाता है। जब उसमें पानी भरा जाता है तो उसी हिसाब से जो डिप्राड होती है उस पर जो डिप का इंचार्ज होता है, तेल देने का इंचार्ज होता है, वो वहाँ पे होता है। और वो उस जैसे यहाँ पे हमारा जो है ये डिप रोड है और यहाँ पे हमारा जो है पानी आया है तो यहीं पे निशान लगता है, और जैसे 5000 लीटर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे निशान लगाते हैं। उसके बाद फिर वो जाता है जो अधिकारी होता है वो एक परमानेंटली डिप पे जो है निशान लगाते हैं और उस पर मोहर लगती है सरकारी, जिससे वो पास होता है आगे तक। ठीक है, आगे तक पास होता है तब आपकी जो गाड़ी है वो डिप ओके मानी जाती है। तो जो टीएलएफ अधिकारी होता है जहाँ पे आपको डीजल दिया जाता है मशीन के द्वारा, वो ऐसा तो नहीं है कि शुरू में जब आप जाओगे तो आपकी गाड़ी को ऐसे ही भर दिया जाएगा, आपकी गाड़ी को भरा जाता है, फिर उसके बाद उसमें डिप ली जाती है। ठीक है, डिप लेने के बाद जो आपकी कल्वेशन वहाँ पर हुई है उस कल्वेशन को चेक करते हैं, फिर वो देखते हैं कि कहीं अधिकार ने आपकी जो कल्वेशन है वो गलत तो नहीं कर दी, क्या उसमें कोई फ़र्क तो नहीं है। उस तेल को नापते हैं, अगर आपकी कल्वेशन ठीक है
आपका तेल कट के हिसाब से, मान लीजिए ये यहाँ पे कट पर निशान लगाया था, उसके हिसाब से आपका तेल फिक्स आ रहा है, तो आपकी कलवेशन और गाड़ी को पास कर दिया जाता है, ठीक है। तब उस डीजल को भर के लाते हैं, फिर उसमें एक जो आपका ताला इश्यू होता है, लोग जो आप देखते हैं पंप पे, वो लोग जो है वहाँ पे इशू होता है, और उसकी जो ऑयल फैक्ट्री होती है उनमें सभी, चाहे कितनी भी चाबियाँ हों, उनकी जो मास्टर चाबी होती है, 4-5 चाबी होती है, 53, 54, 55, 56, क्योंकि मैंने उनमें काम किया हुआ है तो इसलिए मुझे नॉलेज है, वरना नहीं होती किसी को भी, और ऐसे बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना है। चाबियाँ होती है, उन चाबियों को किसी भी ताले हो, कितने भी ताले हो, कितने ही नंबर के, उनमें लगा के उनको खोल दिया जाता है। फिर गाड़ी पंप पे जाती है, और भी कई चीज़ करनी पड़ती है, उनके बारे में आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस तरीके से गाड़ी को भरते हैं, और कुछ चीज़ें आपको बतानी है बहुत तो